हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं से डॉक्टर संजय सिंह आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर्मिका रूफा के बारे में, जो बहुत ही यूजफुल होती है जोड़ों में दर्द के लिए, गाउट के लिए, किसी भी तरीके का गठिया हो, बात रोग हो, आपको सर्दियों में जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है तो उसमें बहुत अच्छे से काम आती है। इसके अलावा नेजल पॉलिप और टिनाइटस की प्रॉब्लम में भी बहुत यूजफुल होती है। आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन से लक्षण मिलने पर आप इसको यूज कर सकते हैं, कौन सी पावर में यूज करना है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर्मिका रूफा के बारे में। फॉर्मिका रूफा जो होती है एनिमल किंगडम की मेडिसिन होती है। इसको बनाया जाता है क्रश करके लाइव अंट्स को, जो चींटियाँ होती हैं उनको क्रश करके इस दवा को बनाया जाता है। और ये बहुत ही यूजफुल दवा होती है अगर आपको आर्टिकुलर रूमेटिज्म है, आपको गाउट है, आपको गठिया है, बात है, इस तरह की दिक्कतें हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसमें ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। स्पेशली जिन लोगों को विंटर्स के टाइम पे, सर्दियों के टाइम में जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है, उनका डेली का काम भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। डेली वो वॉक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। जब दर्द और सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है तो बिस्तर में लेट कर करवट बदलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। जहाँ पे आपको जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, और जो आपकी मसल्स हैं वैसे फील होता है कि अपनी जो जगह है जहाँ से वो अटैच है, अपनी अटैचमेंट से लूज हो गई हैं, उनमें कोई पावर नहीं बची है। साथ ही साथ अगर आपको गठिया बात है, उसके साथ आपके जोड़ों के पास नोड्यूल्स आ गए हैं, गाँठें सी बन गई हैं, तो उसमें भी दवा अच्छे से काम आती है। वीकनेस बहुत लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सूजन आ जाती है, क्रोनिक गाउट हो या अक्यूट गाउट हो, दोनों ही कंडीशन में दवा अच्छे से काम आती है। जहाँ पे जोड़ों के दर्द के साथ साथ जब भी आप चलते फिरते हैं आपकी दिक्कतें बढ़ जाती है, जब आप बैठे रहते रेस्ट करते हैं या फिर मसाज करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। ऐसे केसेस में दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ अगर आपका जो जोड़ों का दर्द है वो ठंडी चीज़ों से या ठंडी के मौसम में बढ़ता हो, या फिर आपको जब प्रेशर कोई अप्लाई करे, कुछ वार्म अप्लाई करे तो आराम मिलता हो, ऐसे में भी ये दवा अच्छे से काम आती है। अगर आपका रूमेटिज्म जो है, आपका जो गठिया बात है, वो एकदम अचानक से आपको लगा हो, अचानक ही आपको दर्द स्टार्ट हुआ हो, उसमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। साथ में अगर आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, मतलब आपके हिप्स के नीचे के पार्ट में ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस होती हो, आपके हाथ जो हैं वो नम फील करते हों, उसमें भी दवा अच्छे से काम आती है। अगर आपके जोड़ों के दर्द, जो भी पेन है जोड़ों में, मसल्स में, वो आपको मिडनाइट के बाद थोड़ा सा आराम लगता हो, तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये रूमेटिज्म के लिए, गठिया बात के लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। स्पेशली जब विंटर्स में आपको चलने फिरने में तकलीफ हो, आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप इस दवा को यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा इस दवा के अगर अदर सिम्टम्स की बात करें, तो अगर आपको नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको नेजल पॉलिप है, नाक में मास बढ़ गया है, इसके अलावा आपको कोराइजा की प्रॉब्लम होती है, नो जैसी फील होती है कि एकदम बंद हो गई है, उसमें दवा अच्छे से काम आती है। साथ में सर दर्द के केसेस में भी दवा अच्छे से काम आती है। जहाँ पे ऐसा सर दर्द होता है जैसे लगता है कि आपका जो फोरहेड है वहाँ पे कोई बबल बर्स्ट हो रही हो, आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा हैवी और लार्ज फील होता है, साथ ही साथ सर दर्द के साथ साथ जब आप काम करते हैं सर दर्द में तो आपको आराम महसूस हो, सर दर्द के साथ साथ अगर आपको कान में क्रैकिंग सा साउंड आए, स्पेशली आपके लेफ्ट ईयर में क्रैकिंग का साउंड आए, कान के आसपास का जो एरिया है उसमें स्वेलिंग लगे, पॉलिप की कंडीशन हो, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी मेडिसिन है सिम्टोमेटिकली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जोड़ों में दर्द है और आपको पॉलिप की प्रॉब्लम है, तो उन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, इसकी पोटेंसी, पावर और डोजेस की बात करें तो आप इसको 30-200 पावर में यूज कर सकते हैं, मदर टिंचर में यूज कर सकते हैं,
डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर इसको जोड़ों की प्रॉब्लम्स में मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। खाना खाने के एक घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ आप 10 से 15 बूंद ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और जब भी आपको नेजल पॉलिप या फिर आपको ईयर में प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, तो उन सारी कंडीशंस में इसको ज़्यादातर हम 30 या 200 पावर में यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी मिल रही है। फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल दवा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कॉज करती। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लीजिएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, साथ ही साथ फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को होम्योपैथी के अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।